अब वही बात अगली खबर की। कल देर रात दिल्ली से सटे फरीदाबाद के इस्माइलपुर, सेहतपुर और आसपास के इलाकों में फैली दंगा की अफवाह ने जहां पूरे फरीदाबाद के लोगों के मन में डर बैठा दिया है, वहीं फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और फरीदाबाद के लोगों को उनकी सुरक्षा प्रशासन और पुलिस की तरफ से सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया है, जो समाज को भ्रमित करके दंगे जैसी अफवाहों को फैला रहे हैं और लोगों में भय बिठा रहे हैं। यशपाल यादव ने कहा कि लोग बिल्कुल भी इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपना काम निरंतर करते रहें। उनकी माने तो ना केवल पुलिस के बल्कि सिविल के अधिकारी भी पूरे शहर और गांव में इस बात की निगरानी पर हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो समाज में इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। ना नहीं है और सिर्फ अफवाह है। हमने ना केवल पुलिस की तरफ से बल्कि हमारे ऑफिसर जो सिविल के हैं वो सभी शहर के अंदर भी और गांव के अंदर भी अलर्ट पे हैं और लगातार जो एमिनेंट पर्संस हैं, लोग हैं, उनसे भी बातें हुई हैं। किसी तरह का कोई भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है, किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है, सिर्फ माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूं कि फरीदाबाद विशेष तौर पे हमेशा ही से सद्भावना को बनाए रखते हुए आज तक आया है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की आपस में लोगों के बीच में वैमनस्य या इस तरह की कोई भावना है। बहुत शांतिपूर्वक माहौल है, इसको आगे भी बनाए रखें। प्रशासन, पुलिस सभी हाई अलर्ट के ऊपर हैं और मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह से डर की या चिंता की वजह नहीं है। हम पूरी तरह से सतर्क हैं और आपके साथ में, सभी लोग आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी लगातार पुलिस के द्वारा उनको मॉनिटर किया जा रहा है और जो लोग इस तरह के काम में इन्वॉल्व अपने आप को कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, मैं खुद भी अभी उस पूरे एरिया के अंदर घूमकर आया हूं। इसके अलावा मेरे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, पुलिस के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई है, किसी तरह का कोई मोबिलिटी नहीं है, कोई लोग इकट्ठे नहीं हुए, पूरी शांति है और शांति हम बना कर रखें। किन किन इलाकों की? दिल्ली में प्रहलादपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से ये र्यूमर शुरू हुई थी। ना तो दिल्ली में कोई किसी तरह की घटना हुई है और दिल्ली के साथ हमारा जो लगता हुआ क्षेत्र है फरीदाबाद जिले का, उस पूरे जिले के उस पूरे एरिया के अंदर पुलिस भी मौजूद है, हमारे सिविल प्रशासन के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, लगातार हम संपर्क में हैं। किसी तरह